हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक साउथ इंडियन स्टाइल आलू की सब्जी के साथ आई हूँ, जो पूरी के साथ खाया जाता है। और ये बहुत ही सिंपल एंड क्विक रेसिपी है, और जो मसालेदार खाना प्रीफर नहीं करते हैं उनके लिए ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मसाला नहीं जाता है और इसे बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 3 उबले हुए आलू और 1 प्याज, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 इंच कुटा हुआ अदरक, 2 ग्रीन चिली, थोड़ी सी धनिया पत्ता, 10 से 12 करी लीव्स, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चना दाल, आधी चम्मच राई और नमक स्वाद के अनुसार। तो पहले मैं आलू को स्मैश कर लूंगी। तो देख सकते हैं मेरा आलू स्मैश हो चुका है। तो अब मैं एक कढ़ाई गरम करूंगी और उसमें तेल डालूंगी, और तेल के गरम होते ही मैं इसमें डालूंगी राई और चना दाल, और चना दाल को थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई करूंगी। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया प्याज, अभी मैं ऐड करूंगी करी लीव्स, ग्रीन चिली, कुटा हुआ अदरक और फ्राई कर लूंगी। प्याज को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक। अब मैं डाल दूंगी बेसन और थोड़ी सी फ्राई कर लेना है। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी, और आलू को मसाला के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आलू को मसाला के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी पानी, और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। और अगर आपको तीखा पसंद है तो इसको डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अभी मैं कवर करके इसको कुक करूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। और 3 से 4 मिनट हो चुका है और ये सब्जी बनके रेडी भी है।
तो देख सकते हैं इसकी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी धनिया पत्ता और मिक्स कर लूँगी। और ये आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है, तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। पूरी या पराठा के साथ आप ये सब्ज़ी खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।